नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सिंपली मतलब कहा जाए तो लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को आप नाम देते हैं विस्कोसिटी। जैसे सॉलिड में आप बोलते थे लेट्स से ये एक बॉडी है, ये बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो अगर इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का रिलेटिव मोशन होने लगे, मतलब अगर ये रेस्ट पे है और इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी मेरी 10 मीटर/सेकेंड से अगर आगे चल रही है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा, अपोजिंग फोर्स, उस फोर्स को आप नाम देते हैं फ्रिक्शन। और यहां पे देखा गया था ये जो फ्रिक्शन था ये आपका नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये म्यू होता था हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये था हमारा सॉलिड में। तो पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं व्हेन अ सॉलिड बॉडी, तो ये सब कुछ हम सॉलिड बॉडी के लिए बात की है। स्लाइड्स ओवर अनदर सॉलिड बॉडी मतलब जब दो सॉलिड बॉडी के बीच में मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन होने लगे, अ फ्रिक्शनल फोर्स बिगिंस टू एक्ट बिटवीन देम। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। दिस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दो बॉडीज के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है। अब यहां पे हम बोल रहे हैं उसी तरह से लिक्विड में क्या बोला गया, सपोज एक मानिए ये पाइप है, ट्यूब है, इस ट्यूब में आप जैसे यहाँ पे हमारे दो सरफेस होते थे, तो जब पानी फ्लो कर रहा है उसमें तो कोई सरफेस है नहीं, तो हम पानी को क्या कर रहे हैं, लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं अलग अलग लेयर्स होंगे और उस बॉडी की जो है ना, जैसे यहाँ स्पीड हम रिप्रेजेंट करने के लिए एरो रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही ये जो एरो का लेंथ होगा वो इस लेयर की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये जो बीच वाली लेयर है ये 10 मीटर/सेकेंड से जाएगी और जो जस्ट लेयर इस है ना सरफेस ऑफ ट्यूब के कांटेक्ट में है वो लेयर जस्ट मेरी रेस्ट पे होगी। क्यों? क्योंकि ये सरफेस इसको रोकने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन देगा। जस्ट इसके ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसकी ना जस्ट ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ होगी, फिर ऊपर आएंगे और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ऊपर आएंगे और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जो सेंट्रल वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं हमारी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे हम चाहे यहाँ से ऊपर आए या यहाँ से ऐसे जाएं तो फ्रिक्शन वेलोसिटी घटती है, तो ये रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ जो लिक्विड होता है, जो हमारा रियल फ्लूइड में इस तरह से मोशन जो होता है जिसे हम स्ट्रीमलाइन मोशन कहते हैं, तो जब दो लेयर्स ऑफ लिक्विड में है ना, जैसे यहाँ दो सरफेसेस में रिलेटिव मोशन हो रहा था, वैसे यहाँ जब दो लेयर्स ऑफ लिक्विड में, मतलब ये लेयर ऑफ लिक्विड 10 मीटर/सेकेंड से जा रही है और इसकी एरो लेंथ कम है, तो ये लेयर ऑफ लिक्विड 8 मीटर/सेकेंड से जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये लेयर के रेस्पेक्ट में ये ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ेगी, तो इसको रोकने के लिए नीचे वाली लेयर फ्रिक्शन पीछे लगाएगी और उतना ही थर्ड लॉ से नीचे वाले लेयर पे फ्रिक्शन ऊपर वाले लेयर के कारण आगे लगेगा। कहने का मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी एंड सिमिलर वे में ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी ना। तो ये जो लिक्विड के लेयर्स में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को आप नाम देते हैं विस्कस फोर्स। और उस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को जिसके कारण वो रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है, उस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को आप नाम देते हैं विस्कोसिटी करके। तो यहाँ पे बोला गया है व्हेन अ लेयर ऑफ लिक्विड स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर ऑफ सेम लिक्विड, जब एक लेयर ऑफ लिक्विड दूसरे लेयर ऑफ सेम लिक्विड में स्लाइड करता है तो अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से अराइज होगा व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। यहाँ पे भी लेयर और लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फोर्स की बात हो रही है ना। यहाँ पे हम जो बात किए थे यहाँ सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन, यहाँ लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। और ये लेयर लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स को आप विस्कस फोर्स कह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को आप विस्कोसिटी कह रहे हैं। और आगे जाके हम इस विस्कस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो विस्कस फोर्स है यहाँ पे, जैसे ये फ्रिक्शन आपका बस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता था, पर यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स के दो फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। एक लिक्विड में जो विस्कस फोर्स लगता है उसका एक फॉर्मूला आएगा आपका ईटा ए डीवी बाय डीएक्स करके। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक तो एरिया ऑफ लेयर लिक्विड पे डिपेंड करेगा ना, कितने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है। और हम जब, है ना, स्टोक्स लॉ करके देखेंगे तो वहाँ पे भी एक और फॉर्मूला पढ़ा जाएगा विस्कस फोर्स का, डैट इज जब स्पेरिकल बॉल मूव करेगा आपका किसी लिक्विड में तो उसमें जो विस्कस फोर्स होता है वो आपका 6 पाई ईटा आर वी करके होता है। मतलब यहाँ पे रेडियस और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो ईटा है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। जैसे ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, उसी तरह से वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वहां पे उसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। उसको हम डिटेल में अब एक-एक करके डिस्कस करना है। छोटा सा चैप्टर है, इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड हमें कुछ डिस्कशंस करना है। अभी हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इस चैप्टर को पहले देखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। अभी जो हमने डिस्कस किया था कि ये एक मेरा पाइप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस ए बी जो रेस्ट पे है, मतलब जिस की वेलोसिटी 0, और इसके जस्ट कांटेक्ट में जो लिक्विड लेयर होगा वो भी रेस्ट पे होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, और जो मिडल वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी सी लेयर की, और, है ना, इसके ऊपर जाएंगे फिर वेलोसिटी घटेगी, है ना। तो बीच वाले लेयर की वेलोसिटी हमने देखी थी मैक्सिमम थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए की वेलोसिटी ना, फिर बी की वेलोसिटी और बढ़ी, सी की वेलोसिटी और बढ़ी, तो इन लेयर्स ऑफ लिक्विड में रिलेटिव मोशन होने लगा। तो उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन अराइज हुआ उसी फ्रिक्शन को हम नाम दे रहे हैं आपका विस्कस फोर्स। तो चलिए एक एक पॉइंट आते हैं। सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी। तो स्ट्रीमलाइन मोशन मतलब ऐसा मोशन जो मैंने दिखाया था उस मोशन को आप नाम देते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन, जिसमें विस्कस फोर्स लगे। तो वो मोशन स्ट्रीमलाइन मोशन है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ए बी करके। लेयर ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस इज एट रेस्ट। तो मैंने ये बोला है जो लिक्विड का लेयर इस सर्फेस के कॉन्टैक्ट में होगा वो तो रेस्ट पे होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वाइल द वेलोसिटी ऑफ अदर लेयर्स इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस। और जैसे जैसे इस सर्फेस से डिस्टेंस बढ़ेगा लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। ए का डिस्टेंस, फिर बी का डिस्टेंस बढ़ा और वेलोसिटी बढ़ी, सी का डिस्टेंस बढ़ा और वेलोसिटी बढ़ी, और जो बीच वाला जो डिस्टेंस है वो ऊपर और नीचे से मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। सिंपल सा पॉइंट है कि बीच वाली लेयर की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और जो लेयर उस सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द एरोज रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स। ये एरो का लेंथ जो है इस वेलोसिटी लेयर की वेलोसिटी, है ना, लिक्विड लेयर की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं वेक्टर में एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20, ये 40 मीटर पर सेकेंड ना आप बोल सकते हैं। दस देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो इन लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में हम देख रहे हैं रिलेटिव मोशन हो रहा है, और इस रिलेटिव मोशन होने की वजह से सब लेयर बाय लेयर अलग अलग वेलोसिटी होने के वजह से फ्रिक्शन फोर्स रोल में आएगा, और लिक्विड में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स को आप विस्कस फोर्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा है लेट अस कंसीडर 3 पैरेलल लेयर्स ए बी एंड सी। तो 3 पैरेलल लेयर्स ली, ए बी और सी, तीनों एक दूसरे के पैरेलल। देयर वेलोसिटीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ए की वेलोसिटी के बाद बी की वेलोसिटी ज्यादा, फिर सी की वेलोसिटी सबसे। बोल रहे हैं लेयर ए टेंड्स टू रिटार्ड लेयर बी। ए लेयर जो है वो बी लेयर की वेलोसिटी घटाने की कोशिश करेगी क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगाएगी, व्हाइल बी टेंड्स टू रिटार्ड सी ना। और ये जो बी लेयर है ये सी लेयर को रिटार्ड करेगा, लेट से F1 फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन, तो उतना ही ये F1 इस बी पे आगे लगाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ बी तो सी को रिटार्ड करेगा पर सी जो है वो बी को एक्सिलरेट कराएगा। उसी तरह से ए लेयर बी लेयर को रिटार्ड करेगा F2 फोर्स लगा के, और, है ना, बी लेयर ए लेयर को एक्सिलरेट कराएगा उतने F2 फोर्स लगाते हुए। तो यहाँ बोला है हमने कि ना लेयर ए टेंड्स टू रिटार्ड लेयर बी, लेयर ए बी लेयर को रिटार्ड करेगा F2 फोर्स लगा के, वाइल बी टेंड्स टू रिटार्ड सी, और बी सी को रिटार्ड करने के लिए F1 फोर्स लगाएगा अपोजिट टू इट्स मोशन. Thus, each layer tends to decrease velocity of layer above it. तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगी. Similarly, each layer tends to increase velocity of layer below it. और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगी. उसके लिए वो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगाएगी ना. नीचे वाली लेयर ऊपर की वेलोसिटी घटाएगी और ऊपर वाली लेयर नीचे की वेलोसिटी बढ़ाएगी. तो आगे बात हो रही है इन बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ लिक्विड्स इंटरनल टेंजेंशियल फोर्सेस एक्ट व्हिच ट्राई टू डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स. मतलब यहाँ पे इंटरनल है ना जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इन लेयर लेयर के बीच में, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उस रिलेटिव मोशन को है ना डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टेंजेंशियल जो फोर्स है ना इस लेयर के टेंजेंशियल ये जो फोर्स लग रहा है तो इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स एक्ट व्हिच ट्राई टू डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज लेयर्स, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड विस्कस फोर्सेस. जैसे हमने सॉलिड में देखा था वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस था. यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो टेंजेंशियल टू द लेयर कॉन्टैक्ट सरफेस, और उसी इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स और फ्रिक्शन जो रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा उसको आप विस्कस फोर्स कह रहे हैं. इफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज टू बी मेंटेन्ड एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू ओवरकम द ड्रैगिंग विस्कस फोर्स. अगर हम बोल रहे हैं इस सी लेयर को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ले जाना चाहते हैं तो इस पे इतना ही इक्विवेलेंट हमें क्या लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा. नहीं तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो विस्कस फोर्स इस लिक्विड लेयर की वेलोसिटी को घटाते घटाते फाइनली इसको रेस्ट पे ला देगा. तो अगर इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते रहना है तो उस विस्कस फोर्स के बराबर इक्वल है ना इक्विवेलेंट एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन टू विस्कस फोर्स लगाना पड़ेगा. तो यहाँ लिखा है फ्लो ऑफ लिक्विड इज टू बी मेंटेन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना चाहता हूं एन एक्सटर्नल फोर्स, देख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू ओवरकम द ड्रैगिंग विस्कस फोर्स. उस ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता विस्कस फोर्सेस वुड सून ब्रिंग द लिक्विड टू रेस्ट. तो ये जो विस्कस फोर्स है ये इस लिक्विड लेयर को रेस्ट पर ला देगा और ये लिक्विड लेयर स्टॉप कर जाएगा कुछ टाइम के बाद. जैसे अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है क्योंकि फ्रिक्शन है ना रोल प्ले कर रहा है. अगर सरफेस फ्रिक्शन, अगर मैं लेट्स से उस बॉल पे एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगाते जाऊं तो वो मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से. उसी तरह से यहाँ बात हो रही है. तो आगे बढ़ने से यहाँ कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स. लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसके कारण लेयर दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में अगर रिलेटिव मोशन होने लगता है तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की उस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को आप नाम देते हैं विस्कोसिटी और उस फोर्स को आप नाम देते हैं विस्कस फोर्स करके. अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी सीन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स है जिसमें आप विस्कोसिटी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेबल पे एक में हनी और एक में पानी अगर फ्लो कराते हैं गिराते हैं तो पानी ज्यादा दूर जाएगा टेबल में और हनी कम दूर जाएगा क्योंकि वाटर का है ना डेंसिटी कम है, थिनर है और हनी थिकर है. तो जो थिकर होगा उसका विस्कस फोर्स उसमें ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं ट्रैवल कर सकता क्योंकि उसमें विस्कस फोर्स ज़्यादा लग रहा है. और वाटर थिनर है तो उसमें कम विस्कस फोर्स लगेगा इसलिए वो ज़्यादा दूर ट्रैवल कर सकता है कंपेयर टू हनी. पर है ना हम कहेंगे वो भी कोई लिमिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर सकता, उसमें भी विस्कस फोर्स लगेगा पर कंपेयर टू वाटर कम लग रहा होगा. तो पहला हमारा एग्जांपल है अ स्टर्ड लिक्विड. ये जो स्टर है, स्टर का मतलब अगर आपने लेट से है ना लिक्विड लिया और उसे चम्मच से मिलाया ना, उसे मिलाने को आप बोल रहे हैं चम्मच से मिलाने को स्टरिंग. व्हेन लेफ्ट कम्स टू रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ विस्कोसिटी. अगर आप लिक्विड को चम्मच से ना लेट से मिलाते हैं और छोड़ देते हैं तो वो लिक्विड पहले तो कुछ देर घूमेगा और फिर धीरे धीरे आके रुक जाएगा. किसके वजह से? विस्कोसिटी फेनोमेनन की वजह से. Thicker liquids like honey, coal tar, glycerin, etc. have larger viscosity than thinner ones like water. जो liquid thick होगा, such as honey हो गया, coal tar हो गया, glycerin हो गया, उनकी viscosity ज़्यादा होगी compared to thinner liquids like water. If we pour coal tar and water, हमने honey को water लिया था, हम बात कर रहे हैं अब coal tar, अलकतरा जो रोड में बनाने के लिए यूज होता है, और water लिया तो कोल टार कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और वाटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ओनली ड्यू टू विस्कोसिटी. कोल टार की विस्कोसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, वाटर का विस्कस फोर्स कम होगा. एंड वाटर ऑन टेबल, कोल टार विल स्टॉप सून व्हाइल वाटर विल फ्लो क्वाइट अप टू अ लार्ज डिस्टेंस. तो वाटर लार्ज डिस्टेंस कर सकता है पर कोल टार स्टॉप कर जाएगा जल्दी ही ओनली ड्यू टू विस्कोसिटी. दूसरा एग्जाम्पल आते हैं. दूसरे एग्जाम्पल में वही हनी और वाटर का बात हुआ है. तो इफ यू पोर वाटर एंड हनी इन सेपरेट फनल, सपोज फनल में आपने है ना दो फनल से आपने एक फनल में वाटर डाला, एक फनल में लेट्स से हनी डाला, तो वाटर जो है ग्रेविटी की वजह से ना ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा और हनी जो है उसमें ज़्यादा विस्कस फोर्स लग रहा होगा, इसलिए वो जल्दी फ्लो नहीं कर रहेगा ना, ग्रेविटी जो पुल कर रहा होगा उसे उसमें कम लेट से रेट से निकलेगा, बहुत जल्दी वाटर निकल रहा होगा. तो इन सेपरेट फनल वाटर कम्स आउट रेडिली फ्रॉम द होल इन द फनल. जो फनल है ना आपका इस टाइप से जो फनल होता है तो वाटर इस फनल से है ना जल्दी जल्दी आएगा क्योंकि उसमें विस्कस फोर्स कम है. व्हाइल हनी टेक्स इनफ टाइम टू डू सो, तो हनी को टाइम लगेगा क्यों, क्योंकि उसमें विस्कस फोर्स ज्यादा है. बिकॉज हनी इज मच मोर विस्कस देन वाटर, क्योंकि हनी का विस्कस फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू वाटर. एज हनी टेंड्स टू फ्लो डाउन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स इज अपोज्ड स्ट्रांगली. क्योंकि जो आपका हनी है वो ग्रेविटी के अंदर फ्लो करेगा तो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा विस्कस फोर्स लग रहा होगा कंपेयर टू डैट ऑफ वाटर. तीसरा जो एग्जाम्पल है, सपोज आप भाग रहे हैं, अगर आप हवा में भागते हैं ना नॉर्मली आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, पर अगर आप लेट्स से एक रेस में भाग रहे हैं तो आपको लगेगा कि हवा आपको फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स आपका विस्कस फोर्स होता है ना. और अगर सपोज कीजिए आप पानी में भागेंगे तो किस में भागना आसान है, हवा में भागना आसान है वाटर के कंपैरिजन में. वाटर में हमें ज़्यादा विस्कस फोर्स मिलेगा और एयर में कम विस्कस फोर्स लगेगा. विस्कस फोर्स फ्लूइड के कारण होता है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो करे, जैसे एयर भी फ्लो करता है वाटर भी फ्लो करता है, दोनों विस्कस फोर्स लगाएंगे. अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो अभी लेयर्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, पर जब हम फास्ट चलेंगे तो लेयर लेयर में रिलेटिव मोशन होने लगेगा, उसके कारण आपको है ना एयर में फ्रिक्शन फोर्स भी दिखेगा. तो एयर में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है पर कंपेयर टू वाटर कम लगता है, इसीलिए वी कैन वॉक फास्ट इन एयर बट स्लो इन वाटर. तो बोला है वी कैन वॉक फास्ट इन एयर बट नॉट इन वाटर बिकॉज विस्कोसिटी इज स्मॉल फॉर एयर देन इन वाटर. एयर की विस्कोसिटी कम होती है देन दैट ऑफ वाटर. लास्ट एग्जाम्पल है, क्लाउड पार्टिकल्स फॉल डाउन वेरी स्लोली ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड अपीयर फ्लोटिंग इन द स्काई. जो क्लाउड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हवा में क्यों है ना फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें विस्कस फोर्स कम लग रहा होता है. अभी बोला था एयर में विस्कस फोर्स कम होता है, इसीलिए वो क्लाउड के पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं तो वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं. अब हमने ये पूरा जो विस्कस फोर्स पढ़ा लिक्विड लेयर में पढ़ा, तो यहाँ पे बोला गया विस्कोसिटी कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन ना बिटवीन लेयर्स ऑफ सेम मटेरियल. लिक्विड लेयर्स सेम मटेरियल के बीच में रिलेटिव मोशन जब होगा तभी ये विस्कस फोर्स रोल में आएगा. सो इट डज नॉट एक्ट इन सॉलिड. जैसे अगर ये एक सॉलिड बॉडी अगर मूव कर रही है तो इस सॉलिड बॉडी के सभी लेयर्स, अगर मैं बोलूं अगर इसे लेट्स से है ना हम काटते अलग अलग लेयर में तो सभी लेयर की वेलोसिटी सेम होती, तो यहाँ पे लेयर लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, इसीलिए सॉलिड बॉडीज में कभी भी आपका विस्कस फोर्स नहीं लगता. हमेशा विस्कस फोर्स आपका लिक्विड में ही डिस्कस किया जाता है. तो लिक्विड में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स आपका विस्कस फोर्स कहलाता है और उसकी प्रॉपर्टी को आप विस्कोसिटी करके कहते हैं. तो ये हमने डिस्कस किया विस्कोसिटी, विस्कस फोर्सेस कहाँ आते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स में. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी करके. तो इसको हम कैसे समझा रहे हैं, सपोज ये एक ट्यूब है, अभी हमने देखा था स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपका ना जो रियल लिक्विड्स होते हैं वो आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब बीच वाला लेयर की लिक्विड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी हमारी घट रही होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड की लेयर वेलोसिटी घट रही होगी, तो बीच वाले लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास करेगा, है ना, वो पार्टिकल अगर एक सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन से इस पॉइंट को क्रॉस करे, सपोज इस पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट से जो भी लिक्विड का लेयर पास करे उसकी वेलोसिटी हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड बनी रहे। वैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 8 मीटर पर सेकेंड बनी रहे, भले इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम ना हो। उस फ्लो को आप नाम देते हैं स्टेडी फ्लो करके। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी उस लिक्विड लेयर की जब तक वो लिक्विड के लेयर्स आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव करते हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए रेनॉल्ड्स करके एक आदमी था जिसने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, है ना, उस नंबर का वैल्यू उसने बोला होना चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर RE से डिनोट करते हुए। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल मिलेगा, इसको आप स्टैंडर्ड सिंबल समझिए, दैट इज ρVD डिवाइडेड बाय ईटा। और ये जो V है ये मेरा V क्रिटिकल वेलोसिटी वाला V है, दैट इज रो हो गया लिक्विड की डेंसिटी, VC हो गया आपका ना ये क्रिटिकल वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर जब तक इस पॉइंट से जो भी पार्टिकल निकले वो एक स्टेडी फ्लो में निकले। उसके बाद अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाए उस पार्टिकल लिक्विड लेयर की, तो उसके बाद वो लिक्विड लेयर स्टेडी फ्लो में नहीं होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। अभी इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये सब सिंबल्स क्या क्या, इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो रो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कह सकता हूं, ये जो लिक्विड इस ट्यूब में फ्लो कर रहा है। VC जो है वो इस लिक्विड लेयर का आपका क्रिटिकल वेलोसिटी करके बना हुआ है, क्रिटिकल वेलोसिटी करके बना हुआ है। नेक्स्ट चीज हम यहाँ बोले D जो है वो ट्यूब का डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ द ट्यूब या फिर रेडियस कह दो ना, डायमीटर ऑफ ट्यूब, वैसे डायमीटर ही होता है। और ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, ये आपको याद नहीं करना। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वैसे ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये, और यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये सिंपली एक नंबर है, इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, जैसे 500, 600, जब इसका डायमेंशन निकालोगे तो इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। और हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, ये रेनॉल्ड ने एक नंबर, है ना, बताया, उस वैल्यू उसने ये कहा रेनॉल्ड्स नंबर बराबर ρVCD बाय ईटा करके। और यहाँ पे उसने बोला अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मेरी लेट्स से 2000 से कम होती है, मतलब वो जो फ्लो होगा वो फ्लो आपका लिक्विड कैसा फ्लो कर रहा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा ना, लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से बड़ी और 3000 से छोटी होगी तो क्या होगा, और अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से बड़ी होगी तो ये जो फ्लो हो जाएगा ये फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, है ना। टर्बुलेंट फ्लो मतलब किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लिक्विड जा रहा होगा, कोई एक, है ना, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा, कभी ये पार्टिकल यहाँ जा रहा होगा कभी यहाँ जा रहा होगा, है ना। जैसे आप अगर अपने जो घरों में जो टैप लगी है उससे जो पानी निकलता है वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक प्रॉपर, है ना, आ रहा है फ्लो में, है ना, एक ऑर्गेनाइज वे में आ रहा है। पर अगर आप लेट्स से ट्यूब, है ना, जो खेतों में ट्यूब लगा होता है पंप, वहां से जो पानी निकलता है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में निकलता है, वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच आए, इसका कोई यूनिट नहीं, 2000 से 3000 के बीच में आए, तो जो फ्लो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट हम बोल सकते हैं। जो मेरा फ्लो है लिक्विड का वो मेरा स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में आपका कन्वर्ट हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो करके हम बोल सकते हैं, है ना। ये बस एक रिलेटिव था, अब ये नहीं कि 2001 पे क्या होगा, एक कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, उसके आसपास है। उसने एक नंबर है ना, रिलेटिव नंबर दिया, और एग्जाम में ये इनके डायमेंशन यूनिट बहुत पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं डायमेंशन आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml-3, v मतलब वेलोसिटी that is lt-1, d is diameter that is l, और eta का डायमेंशन कहाँ से निकाला जाए, तो eta का डायमेंशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं f = 6 pi eta r v। तो eta का डायमेंशन निकल के आएगा f/r/v, तो f है फोर्स, mlt-2 डिवाइडेड बाय r रेडियस, v वेलोसिटी, lt-1, तो l से l गया, यह आया ml-1 एंड t-1 ना। ये आप आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, वैसे आप स्टोक्स लॉ यूनिट डायमेंशन में ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो इसका डायमेंशन आया ml-1 t-1, तो m से m कैंसिल हुआ मेरा, l और ये l क्यूब हो गया, इस l -3 से गया, तो m⁴ l⁴ और t-1 t-1 से कैंसिल होके t⁴। तो यहाँ से हम कह दिए कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, सिंपली एक नंबर है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बस ये डिटरमाइन करने के लिए कि फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो कैसा फ्लो है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होगी, 3000 से बड़ी हुई मतलब फ्लो टर्बुलेंट, और 2000 3000 के बीच में हुआ तो फ्लो कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रीमलाइन से, वो फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है मेरा ना क्रिटिकल वेलोसिटी पे डिस्कशन। अब आगे व्हेन अ लिक्विड फ्लोज इन अ ट्यूब विस्कस फोर्सेस अपोज द फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो हमने देखा था जब लिक्विड फ्लो कर रहा है एक ट्यूब से तो उस लिक्विड लेयर में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स आते हैं, और अगर विस्कस फोर्स आएंगे रोल में तो लिक्विड की लेयर्स कहीं जाके रुक जाएगी। तो उसको मूव कराने के लिए, लिक्विड लेयर्स को मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे बाय क्रिएटिंग प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर लगाते हैं, जिसके वजह से लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। तो यहाँ बोला है hence a pressure difference is applied between ends of the tube which maintains flow of the liquid। ये प्रेशर डिफरेंस जो होगा, चाहे आपको एक्सटर्नल डिवाइस जैसे मोटर कनेक्ट कर दिया तो जिसके वजह से ये प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड की लेयर मूव करेगी। इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ट्यूब मूव अलोंग सेम पाथ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने क्या देखा था, इस पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास करे उस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थ्रू आउट सेम हो तो वो फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। तो यहां हम बोल रहे हैं इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से पास करने वाले पार्टिकल इन द ट्यूब मूव अलोंग सेम पाथ, इसी पाथ से मूव करें, फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। दिस अकर्स ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज बिलो अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी क्या थी, क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक ये लिक्विड की लेयर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव करें, उससे कमी होनी चाहिए लिक्विड की वेलोसिटी। पर अगर इस लेयर की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो ये जो लिक्विड की लेयर सब स्ट्रीमलाइन फ्लो में ना मूव करके टर्बुलेंट फ्लो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकती है, कोई यहां जाएगी कोई यहां जाएगी, कुछ इस तरह से एक मोशन होने लग जाएगा। तो व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक्सीड्स क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर लिक्विड की वेलोसिटीज है ना, लेयर की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सीड कर गई, फ्लो इज नो लॉन्गर स्ट्रीमलाइन। तो मेरा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा बट बिकम्स टर्बुलेंट। तो ये जो फ्लो होगा ये आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो मोशन ऑफ लिक्विड बिकम्स zigzag, लिक्विड कहीं भी जा सकता है zigzag पाथ में ना, कोई यहां जा रहा होगा कोई यहां जा रहा होगा इसी पॉइंट से ना। एंड एडी करेंट्स आर डेवलप्ड इन इट, और यहाँ स्मॉल है ना करेंट्स डेवलप हो रहे होंगे। ये एडी करेंट्स आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। एडी करेंट मतलब ये जो लिक्विड की लेयर्स होंगी ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होंगी, और इसी करेंट को आप एडी करेंट्स कह रहे हैं। इसके बारे में हमें और डिस्कस नहीं करना है ना, बस ये है ना स्मॉल लूप्स बन रहे होंगे इसके और वो जो स्मॉल लूप्स बन रहे हैं उसी को आप एडी करेंट्स कह रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर। यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू। हमने लिखना देखा था रो वी सी डी डिवाइडेड बाई ईटा। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये हमारा निकल के आएगा इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डायमीटर ऑफ ट्यूब करके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। मतलब टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आप 2000 रखेंगे, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का पता होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का पता होगा, ट्यूब का डायमीटर पता होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू निकल के आ गई सपोज 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब जब तक लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कम होगी तब तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका सभी जो लिक्विड होंगे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव कर रहे होंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो में समझिए ऐसे कि ना एक लेट्स से पलटन आ रही है, परेड आ रही है आपके पास, सब एक कतार में आ रहे हैं ना, सब एक लाइन में फॉलो करते आ रहे हैं और आप वो विस्कस फोर्स हैं। तो आप है ना एक टाइप का रोक दे रहे हैं कि एक एक करके जाए ना। तो यहाँ पे विस्कोसिटी जो होगा वो उसके फ्लो को मेंटेन कर रहा होगा। आप बोलेंगे कि एक बार में एक ही आदमी जाए ना। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई लिक्विड की लेयर की तो लिक्विड के फ्लो को विस्कस फोर्स मेंटेन करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेंटेन नहीं करेगा। पर अगर लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई ना, सपोज आपकी यहाँ वेलोसिटी 10 आती है, लिक्विड की फ्लो की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ऐसे सोचिए 20 मीटर पर सेकेंड से अगर आ रहे हैं तो उस टाइम पे विस्कस फोर्स उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि अब फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो जब टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा तो विस्कस फोर्स उस फ्लो ऑफ लिक्विड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा वो उस फ्लो को मेंटेन करेगा, है ना। मतलब जो ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा वो ज़्यादा फ्लो करेगा और जो कम डेंस होगा वो कम फ्लो करेगा। मतलब यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड को गवर्न करने वाले दो हैं, एक है आपका विस्कस फोर्स, एक है डेंसिटी। जब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, उस टाइम पर लिक्विड की लेयर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए विस्कस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और जब लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो उस केस में आपके जो फ्लो को गवर्न करना है वो विस्कस फोर्स नहीं कर पाएगा, उस केस में डेंसिटी उस फ्लो ऑफ लिक्विड को गवर्न करेगा। सिंपल ये दो पॉइंट्स हमें बोलना है। तो बोला है व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो लिक्विड की वेलोसिटी लेयर की वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है मतलब यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब विस्कस फोर्स कंट्रोल करेगा। देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय विस्कोसिटी, विस्कोसिटी गवर्न होगी है ना, उसके फ्लो को मेंटेन करेगा। डेंसिटी हैविंग नो इफेक्ट ऑन इट, डेंसिटी कोई फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब आगे बोला है व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ है ना इज लार्जर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई मतलब फ्लो टर्बुलेंट हो गया अब विस्कस फोर्स कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अब डेंसिटी जो है वो उस फ्लो को कंट्रोल करेगा। देन फ्लो इज गवर्न्ड बाय डेंसिटी, तो जो फ्लो होगा वो डेंसिटी से कंट्रोल हो रहा होगा। इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, अब विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ बोल रहे हैं सो व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, तो जब वोल्केनो फटता है उस केस में जो लिक्विड लेयर वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, इसीलिए अब विस्कोसिटी कोई गवर्न नहीं होगा। उस केस में वोल्केनो की वेलोसिटी कम नहीं होगी, उस केस में डेंसिटी ज्यादा होती है वोल्केनो की तो वो ज्यादा स्पीड में मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ लिखा है लावा कमिंग आउट ऑफ इट फ्लोज स्पीडीली इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी थिक ऑफ लार्ज विस्कोसिटी, तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए स्पीड भी ज़्यादा होगा है ना। विस्कोसिटी भले ही ज़्यादा हो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विस्कोसिटी ज़्यादा होने पे भी, क्योंकि अब उसकी जो वेलोसिटी है वो इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई जिसके वजह से अब फ्लो डेंसिटी से गवर्न हो रहा होगा। तो डेंसिटी ज़्यादा इसलिए ज़्यादा स्पीड, विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं होगा। तो ये था मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी पे डिस्कशन। सब्सक्राइब कीजिए iota इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।